कौन पड़ा है? कोई है? अरे भाई कोई है? इतने बड़े घर में कोई वॉचमैन भी नहीं है? नो 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 राय साहब, नथिंग टू वरी, जस्ट बिलीव मी. नो 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 प्रॉब्लम सर. अरे भाई, अरे तेरे की ये कैसे? अरे रुक रुक रुक. अरे तुम यहाँ कैसे? क्या मेरे घर आकर मुझे से पूछ रहे हो कि मैं यहाँ कैसे? जवाब नहीं, ये तेरा बंगला है. अरे धीरे धीरे, मतलब मेरा काम आसान हो गया. आजा बैठ के बात करते. अरे आना यार, मुझे थोड़ा काम. यार घबराता क्यों है? मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है. ऐसी बात में लफड़ा खड़ा कर देता तू. बहुत सी बातें करेगा तो क्या होगा? जो भी हो, टेंशन दिए बिना जल्दी बताओ. अरे भाभी कहाँ है? फ्लैशबैक में और भी कुछ बाकी रह गया क्या? परसों जो तूने झटका दिया था वो अभी तक नहीं उतरा है. ये बता मुझे और मेरी बीवी को अलग करने की कोई कसम खाई है? अरे चुप कर, मैं अलग क्यों करूंगा? मैं तो जुटाने के लिए आया हूँ. क्या जुटाओगे? मेरी जायदाद जुटाओगे? अबे चुप कर, तू मजाक बहुत करता है यार. करोड़ों का बेटा है मेरे पास, तो तेरी जायदाद किस लिए? उसी के बारे में बात करने आया हूँ. बात सुनेगा ना तो बिजली का करंट लगा ऐसा फड़फड़ाएगा तू. तो बार बार देते ही हो. बात क्या है जल्दी बताओ. तू मेरे बेटे को जानता है ना सिद्धार्थ, जो टीवी पे दिखता है? वो और तेरी बेटी, मेरी बेटी, दोनों प्यार करते हैं. देखा कैसे झटका लगा? मुझे भी कल ही पता लगा. देखा हमारी पुरानी दोस्ती अब रिश्ते में बदल रही है. रुको एक मिनट, यहीं रुको. हाँ? मैं अभी आता हूँ. अरे जल्दी आना. सुबह नहीं हुआ. श्वेता फोन रखो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है. I'll call you back, okay? या, सुनो मेरे सवाल का सिर्फ यस और नो में जवाब देना, ठीक है? तुम वो सीसीटीवी वाले सिद्धार्थ को जानती हो? Say yes or no. Come on. Yes, Dad. Oh. तुम उसे प्यार करती हो? Yes, Dad. ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? Yes. कहाँ चले गए थे? अपनी बेटी से बात कर ली. क्या कहा उसने? यही कि तुम्हारे बेटे से प्यार करती है. मैंने कहा था ना ऐसा करते हैं, जल्दी से अच्छा मुहूर्त देकर उनकी शादी करा देते हैं, ताकि मैं अपनी बहू को जल्दी से अपने घर ले जा सकूं. Shut up! Shut up, will you? क्या हो गया? चुप कर. बात बात पर अरे अरे कहकर मुझे टॉर्चर करता रहता है. कभी बचपन में तेरा दोस्त हुआ करता था, उसके लिए इतनी सजा क्यों दे रहा है? क्या कह रहे हो वीरू भाई? वीरू भाई नहीं, वीरेंद्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर. वो है मेरा लेवल कॉन्ट्रैक्टर. मजदूर को मजदूरी दे सकता हूँ, दोस्त का दर्जा नहीं. तेरा और मेरा रिश्ता जुड़ेगा ये कैसे सोच लिया है? खुद को देख, अपना हुलिया देख और मुझे देख, तू मेरा समधी बनेगा. क्या कहा था? मेरी बेटी को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाएगा. इस घर को देख, गांव से देख, तुझ जैसे 100-100 मजदूरों ने साल भर काम करके बनाया ये घर. ऐसे घर में रिश्ता जोड़ने का सपना देख रहा है? मुझसे भूल हो गई सर, वो दोनों प्यार करते हैं इसीलिए. उस एक ही वजह से तू अभी तक मेरे सामने खड़ा है, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल देता. सुन, मेरी बेटी तेरे बेटे से प्यार करती है इस वजह से, और तेरा बेटा तुझ जैसा नहीं है इस वजह से. एक शर्त पर मैं शादी करा सकता हूँ. कैसी शर्त सर? उनकी शादी चाहते हो तो ना तो तुम उनकी जिंदगी में दखल दोगे और ना ही रहोगे. नहीं समझे? तुम अपने बेटे से कोई संबंध नहीं रखोगे, खून के रिश्ते को तोड़ना होगा. शादी के बाद सिद्धार्थ इस कॉन्ट्रैक्टर वीरेंद्र सिंह का दामाद कहलाएगा, मजदूर गोविंद राज का बेटा नहीं. अच्छी तरह सोच लो, तुम अपने बेटे की खुशी चाहते हो तो तुम्हें अपने खुशियों की कुर्बानी देनी होगी. राज की गवाही और तमाम सबूतों से ये जाहिर होता है कि मुलजिम साधु बिहारी उर्फ साधु भाई ने ही मिस्टर गोपीचंद का खून किया है. लिहाजा ये अदालत साधु बिहारी को मुजरिम करार करते हुए उन्हें आईपीसी दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है. द कोर्ट इज अडजर्न. छोटे तू फिक्र मत कर, हाई कोर्ट में सोमवार को बेल की अर्जी डालकर तुझे बाहर ले आऊंगा. हाँ, मुझे बेल नहीं मिली तो कोई बात नहीं भैया, लेकिन मेरे जेल पहुंचने से पहले ही वो गोविंदराज और उसके साथ घूमने वाले वो 5 कुत्ते खत्म हो जाने चाहिए. अबे चल.
क्या है ये सड़क पर मारना पीटना? असल में आप इंसान है कि जानवर? अच्छा, जुल्म करने वाले बदमाशों को मारने वाला जानवर होता है ये मैं नहीं जानता था। बदमाशों को सजा देने वाले आप कौन होते हैं? यहाँ पर पुलिस नहीं या फिर कोर्ट नहीं है? क्यों नहीं है? लेकिन जब वो लोग मेरे आदमियों को मार रहे थे तब वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए उनका काम मैंने किया। बेकार के बहाने मत कीजिए, सच है कि आप बदल नहीं सकते। चचे, बदलने का मतलब क्या है? मेरे आदमियों को अगर अपनी आंखों के सामने मार खाते हुए देखकर चुप रहने को अगर तुम बदलना कहते हो तो मैं जिंदगी में कभी नहीं बदलूंगा। आपसे बदलने की मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। आप मेरे पिता हैं कहते हुए मुझे शर्म आती है। शादी के बाद सिद्धार्थ इस कॉन्ट्रैक्टर वीरेंद्र सिंह का दामाद कहलाएगा, मजदूर गोविंद राज का बेटा नहीं। आपकी यही करतूत रही तो मुझे आपसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। तुम अपने बेटे की खुशी चाहते हो तो तुम्हें अपने खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। खामोश क्यों हो गए? मुझे आपसे जवाब चाहिए। आप बदलेंगे या नहीं? नहीं बदलूंगा तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। सुनिए, खामोश। तुम रोज मुझे बातें सुनाते रहो वो सुनकर चुपचाप रहने वाला मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ, अपनी मर्जी से जीऊंगा। ये सब जिसे पसंद नहीं वो ये घर छोड़कर जा सकता है। और सुन, जाऊंगा जाऊंगा कहकर धमकी मत दिया कर। अगर तुझमें हिम्मत है, खुददारी है तो अभी इसी पल बाहर निकल, निकल जा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सिद्धू? उनकी बातों का बुरा मत मानना, तुम अंदर चलो। शांति, उसे रोक कर मेरा अपमान मत कर। निकल जा बाहर। जी 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 जी, तुम्हारे पिताजी अनपढ़ गवार हैं ये जानता था, लेकिन सगे बेटे को बाहर निकालने वाले कसाई ये नहीं जानता था। मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये तो कुछ नहीं, उसकी कोई भी बात किसी को समझ में नहीं आएगी। बचपन में एक बार मास्टर जी ने उससे उठक बैठक लगवाई तो पत्थर से उसका सर फोड़ दिया। उसे बचाने के लिए वो इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया। दोस्त है ना, बचपन का वही दोस्त अब मेरा समधी बनेगा, ये सोच के मैं कितना खुश था पता है। जो राधा, आपने इसे मुझसे कब कहा? पागल कहीं की, इसे तो भूलने की आदत है, इसे छोड़ो। इतना ही नहीं, ये सुनो, एक बार मैंने उसे दारू छोड़ने के लिए कहा तो मुझे ही मारने लगा। मैंने भी कई बार समझाया लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। हाँ हाँ, मूर्ख है, नहीं सुनेगा, भूल जाओ। यानी जो हुआ उसे भूल जाओ कहा। बात ये है कि बेटे सब कुछ ठीक ठाक चला तो अगली 15 तारीख को धूमधाम से फंक्शन करने का प्लान किया था। खैर, अब उनका मन बदलने की बात ही रखेंगे, ठीक है? तुम्हें ऐतराज नहीं तो फौरन रख सकते हैं। लेकिन नहीं, किस लिए? जब तुम ही दुखी हो तो किस लिए? वैसे बढ़िया मुहूर्त था इसलिए सोच रहा था। आपकी मर्जी। थैंक यू बेटे। बढ़िया ही, हरीशचंद्र की बेटी। ए, तुमने मुझे कब बताया? अरे नहीं बताया, पर पति झूठ बोले तो सपोर्ट तो करना चाहिए ना। ये पहले बोलना चाहिए। ए वकील, लिखना बंद कर, 15 तारीख को एंगेजमेंट फिक्स कर। हाँ जी। क्यों बेटी, ठीक है ना? ये क्या गोविंदा, बचपन से सिद्धू के छोटे बड़े सभी काम तुम ही करते थे, आज उसकी सगाई के दिन तुम इस तरह चुपचाप बैठे हो? हाँ गुरु, तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। कुछ तो बोलो गोविंदा भाई। सुनिए, जो मंगनी आपके हाथ होनी चाहिए थी आपकी गैर मौजूदगी में हो रही है। मेरे न रहने से कुछ रुकेगा नहीं। इस मंगनी में तो क्या, मैं उनकी जिंदगी में भी नहीं रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम अपने बेटे से कोई संबंध नहीं रखोगे, खून के रिश्ते को तोड़ना होगा। शादी के बाद सिद्धार्थ इस कॉन्ट्रैक्टर वीरेंद्र सिंह का दामाद कहलाएगा। बेटे की खुशी चाहते हो तो तुम्हें अपने खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। इतना दर्द अपने सीने में छुपा रखा था। सुनिए, अपने सिद्धू की मंगनी में हम भी चलेंगे ना?
विलायती बाबू लग रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी बेटी के एंगेजमेंट के लिए मैंने बेल्जियम से प्लैटिनम डायमंड रिंग्स मंगवाई हैं। यू नो हाउ मच इट कॉस्ट? 1,50,00,000 यानी 1.5 करोड़ रुपए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई लव यू माय डियर। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ सिद्धू, तुम्हें कैसा लग रहा है? कम ऑन सिद्धू, से समथिंग। बेटी की आंखों में खुशी लाने के लिए करोड़ों खर्च करने वाले तुम्हारे डैडी को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन बेटे की जिंदगी में पहली बार होने वाले शुभ कार्य को देखने के लिए मेरे पिता यहाँ नहीं है, इस बात का दुख। कमाल सिद्धू, जो नहीं है उनके बारे में क्या बात करनी है? Forget it. Yes, मेरे पिता यहाँ नहीं है क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। हाँ, तो स्टार्ट करें। Come on. One minute. जो मेरे बारे में जानते हैं उन्हें मेरे पिता के बारे में भी जानना होगा। मेरे पिता एक मजदूर हैं। इस तरह के सैकड़ों बंगले बनाने वाले हजारों मजदूरों में वो भी एक मामूली से मजदूर है। उन्होंने रोज 20 रुपए, सिर्फ 20 रुपए की मजदूरी कमाकर मुझे पाला पोसा, खून पसीने से मेरी परवरिश की। मुझे 3 वक्त खिलाने के लिए वो 2 वक्त का खाना छोड़ देते थे। मेरी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझते हुए और मेरे भविष्य को अपना भविष्य समझते हुए वो ये भी भूल गए कि उनकी अपनी भी एक जिंदगी है। पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 साल के वनवास जाने वाले बेटे के बारे में आप जानते हैं, तो अपनी औलाद की खुशी के लिए अपनी ही जिंदगी की कुर्बानी देने वाले पिता को मैं जानता हूं। वो मेरे लिए सिर्फ एक पिता ही नहीं, भगवान है। भगवान तो हमेशा मंदिर में रहते हैं, पर बिना मंदिर के भगवान है मेरे पिता श्री गोविंद। सिद्धू, इट्स ओके, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तो रस्म हो जाए। श्योर। ये अंगूठी पहनाने से पहले मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन? तुम्हें अपने डैडी से अलग होना होगा। जिंदगी में फिर कभी उनसे नहीं मिलोगी, उनसे बात तक नहीं करोगी। सिद्धू, ये क्या कह रहे हो? Have you gone mad? तुम पागल हो गए हो? सिर्फ अलग होने की बात सुनते ही इतनी जज्बाती हो रही हो? तो मुझे और मेरे पिताजी को अलग करने पर मुझे कितना जज्बाती होना चाहिए? पूछो। अगर ये शादी होनी है, हम बाप बेटे को अलग होना है, यही तुम्हारी डैडी की शर्त थी। शर्तों के बिना पर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिंदगी और रिश्ते नहीं। वीरेंद्र सिंह साहब, रिवाज है कि बेटी शादी के बाद ससुराल जाए, दामाद को घर जमाई बनाने की इच्छा स्वार्थ है। भगवान समान मेरे पिता लाचार की तरह वहां कोने में खड़े हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप और आपकी शर्तें। पिताजी, जो सह चुके वो काफी है, आगे आइए। बेटा सिद्धू, ये सब क्या है? हम तो बस ये शुभ कार्य देखने आए थे। पिताजी, शुभ चाहने वाला जो करता है वही शुभ कार्य है। ये महलों वाले हमारा शुभ नहीं चाहते, इसलिए ये नहीं हो सकता। ऐसा मत कह बेटा, मेरी बात मतलब तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? प्यार करता हूं, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार भी चाहिए, लेकिन इन दोनों से बढ़कर है मेरे लिए मेरे पिता। सिद्धू, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मेरे पिताजी के अपमान के सामने ये कुछ भी नहीं है। आपको इसका एहसास दिलाने के लिए ही मैं इंतजार करता रहा। जल्दबाजी करो सिद्धू। जल्दबाजी मैं नहीं, आप कर रहे हैं। चलिए पिताजी। मेरे पिताजी से क्या कहा था? ये सिद्धार्थ राज वीरेंद्र सिंह का दामाद कहलाएगा? नेवर, चाहे जितने भी जन्म ले लूं, सिद्धार्थ तो सन ऑफ गोविंद राज। यहीं रोको। ओके ब्रदर, एक माँ के कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन एक ही ऑटो में सफर तो किया। ये घर आपका है? हाँ मेरा है भाई। इतना सब होते हुए अकेले आए बिना शेयर ऑटो में क्यों आए? सिर्फ अपने लिए कभी नहीं सोचता, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है। विश्वास नहीं हो रहा है कि रवि कुमार सिर्फ एक बात से वाकिफ नहीं, झूठ से।
शक की निगाहों से मत देखिए, जब भी आपका मन करे आ जाइए, बिना खर्च के कॉफी पिलाऊंगा, बिना बिल का भोजन भी, ठीक है? ठीक है, अब आप लोग जाइए, मेरी वजह से आपको देर ना हो। नमस्ते। बेवकूफ है साले, पैसे दिए बिना ही यहाँ तक आ पहुंचा। गेट खोल। मैं देर से आया इसलिए सब दुखी है। इसने तो रोनी सूट बनाई है। मंगनी पर मैं नहीं आऊंगा तो तुम सब रोगे। मैंने उसी दिन वकील को बोला था, जानते हो उसने क्या किया? मुझे चारों टिकट देकर रिजर्वेशन के डिब्बे में डाल दिया। फिर यूं हुआ जीजा जी, चार स्टेशन के बाद टीटी ने मुझे उतार दिया। अरे भाई, मेरी भांजी की मंगनी है, बताया किसी ने नहीं सुना? कमाल है, पूरा ब्यौरा बता रहा हूँ फिर भी वही शक्ल। तुम सुनो दीदी, वक्त पर आने के लिए रेत की लारी में चढ़ गया, हाईवे पर उसने ट्रैक्टर को ठोक दिया, वहाँ बहुत बड़ा लफड़ा। इसमें मेरी क्या गलती है बोलो दीदी? तेरी कोई गलती नहीं है, तू अंदर जा। अरे जब तुम भी उन्हीं की तरह बात कर रही हो। श्वेता बेबी, आखिर हाई तक बस में आना पड़ा, वो मुझसे भी स्लो थी। इतना कुछ बोल रहा हूँ, आप रिएक्ट भी नहीं करते, आप इंसान है कि जानवर हैं? जान से मार दूंगा, बस कर। ये क्या, मंगनी पर नहीं आए तो मारते हैं, ऐसा भी रस्म है? अरे बोले ना। मंगनी टूट गई है, आप खुश? अच्छा तो थोड़ा सेंटिमेंट यूज करता हूँ। ये आपने क्या किया जीजा जी, मेरे नाने से मंगनी तोड़ दी? आपको मुझसे इतना प्यार है, एक वोटर के नाने से पोलिंग पोस्टपोन करते हैं, ये क्या बेवकूफी नहीं है? वैसे भी पब्लिक आपको मनहूस बोलती है, पता है? अबे चले पे नमक छिड़ा कर, सुंदर नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए इसे, मैंने कहा ना तो अंदर जा, इस पे क्यों बिगड़ रहे हैं? अब आगे क्या होना वो सोचिए। हाँ, होने के लिए अब बाकी क्या है? इतने वर्षों में मैंने जो कमाया, नाम मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई। डैड, जो हुआ उसकी वजह से आपका नहीं, असल में मेरा अपमान हुआ। तुम्हारा तो सिर्फ अपमान हुआ है बेटी, मेरा तो नुकसान भी हुआ है। 25 लाख का खर्चा करके फंक्शन रखा और लोग मुझी पर थूक रहे हैं। जिसके लिए सिद्धू ने मुझे ठुकराया, उसी को उससे दूर कर दूंगी। ये बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली वर्कआउट नहीं होगा, उस दिन देखा था ना। डैड, व्हेन यू कांट बीट देम जॉइन देम, सिद्धू की पत्नी बनकर उस घर में कदम रखूंगी और बाप बेटे के बीच दरार पैदा करूंगी। देखो, तुम दरार पैदा करोगी या क्या करोगे मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन दोनों साथ नहीं रहना चाहिए, दोनों को अलग करना होगा, तभी मेरा जो अपमान हुआ उसकी थोड़ी बहुत तसल्ली मिलेगी। छोड़ो, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी तसल्ली दिलाता हूँ। सॉरी, दिला देंगे जीजा जी। अब 6 महीने में चुनाव होने वाला है, फंड्स की हालत टाइट है, आप उसका ख्याल रखेंगे तो मैं बेबी के सपोर्ट में खून बहा दूंगा। चलो बेबी, उनकी तबाही शुरू कर देते हैं, प्लान तुम्हारा और अकल मेरी, तो अपोजिशन जहन्नम। कुछ भी हो सिद्धू, तूने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं उनकी शर्तें मान लेता? ऐसा नहीं है फिर भी। तो फिर और क्या है, मुझे सारी सच्चाई इन्होंने बताई थी। उसने बताया सिचुएशन की डिमांड थी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे क्या जरूरत तुझे बताने की? छोड़ो गुरु, बहुत हो गया ये झगड़ा, इसकी हरकत तो देखो। पहले कॉफी पी लीजिए, ये पकड़। आप बाबेधे के प्यार की बात छोड़िए, प्यार करने वाली उस लड़की के बारे में सोचा है? कैसे सोचेंगे बहन, बिगिनिंग से इस घर में कभी लेडी सेंटीमेंट रहे तब ना। ठीक है तू चुप कर। असेंबली में स्पीकर की तरह बढ़िया बोले। तारकोल से बनी सड़क की तरह चमक रहे हो, कौन है बे? रवि कुमार, 4 बार सरपंच का चुनाव लड़कर हार चुका हूँ, इसलिए मुझे सरपंच रवि कुमार कहते हैं। रात के वक्त प्रचार करने गया होगा, इसलिए किसी की नजर नहीं पड़ी होगी। सच फरमाया, तुम कैसे जानते हो? वो बाद में बताएंगे, पहले पधारे क्यों हो ये बोलो। जिस उम्मीदवार के साथ ना इंसाफी हुआ उसे इंसाफ दिलाने आया हूँ मैं। ना इंसाफी, कौन है वो उम्मीदवार? बेबिया, नमस्ते बाबूजी, नमस्ते माँ जी। अरे ये क्या? अरे रे, उठो। क्यों आई हो? आप ही बताइए बाबूजी, शर्तें रखी गलती किसने की थी? तुम्हारे पिताजी ने। उन शर्तों के बारे में क्या मैं जानती थी? नहीं, उन शर्तों को माना किसने? मैंने। उससे मेरा कोई संबंध था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच जाने बगैर जल्दबाजी में कौन चले गए थे? वो उन तीनों की गलती के लिए मैं एक लड़की, मेरे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है माँ जी? हाँ, सही बात है, क्यों जी, आप बोलते क्यों नहीं? हाँ ये गलत है पिताजी, आप इसके बारे में नहीं जानते, ये अभी ऐसे ही बात करेगी, फिर थोड़ी देर बाद आप इसकी बातों में आकर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। थोड़ी देर बाद क्यों, मैं अभी वो करने वाला। आपको गुरु जी, आप रूलिंग पार्टी में होते हुए भी अपोजिशन पार्टी पर मेहरबान हो। थैंक्स, मुंह बंद रखेंगे। थैंक्स सिद्धू, अपने पिताजी की खातिर तुम मुझे ठुकरा के चले आए, मैं तुम्हारी खातिर अपने पिताजी को ठुकरा कर आई हूँ, यकीन मानो। वो क्या यकीन करेगा, आओ ना बेटी, तू आज से इस घर की बहू है। पिताजी तू चुप रहे, तुम क्या कहती हो? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम लोग क्या कहते हो? तुम कहो भाई। शाबाश, देवी सर्वसम्मति से जीत गई।
आपकी शोखियाँ मेरे सिंगार में आपकी सुर्खियाँ मत होशी ले आया कलियों सा तेरा यौवन तुमसे ही हिलता है फूलों सा मेरा बदन तू जिंदगी मेरी हर खुशी मेरी तो ही काम अब ले लो ले लो मुझे गोरी गोरी अपनी आँखों में हम तरस रहे हैं दोनों जलती अग्नि है सांसों में से मचले समले कोई कैसे काबू करे इसको हे सजना मधुबन यौवन खुशबू शबनम छलके कर ले तू पूरी आरज़ू बातें बातें बंद करो आओ कुछ काम कर तेरे बिना मैं नहीं रह सकता बाली सी उमरिया है धीरे धीरे हौले हौले पिया मुझे डर लगता मौसम ले लो मुझे गोरी गोरी अपनी बाहों में हम तरस रहे हैं दोनों जलती अग्नि है सांसों में हो खिल उठी प्यार में आपकी शोखियाँ हम इंडियन बैंक से आ रहे हैं सिटी टाउनशिप कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिलेगा बोल के आपने हमारे बैंक से मशीनरी के लिए 9 करोड़ रुपए फाइनेंस लिए हैं फिर पता चला कि आपको सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है कई बार नोटिस भेजने पर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया हमारे बैंक ने आपकी प्रॉपर्टीज को जब्त करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है आप अपना काम कीजिए ये रहे ऑर्डर खाना खाते वक्त किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो मुझे गुस्सा आएगा हफ्ते भर में
हफ्ते भर में तुम्हारा पैसा चुकता हो जाएगा। जाओ जाओ जाओ। एक हफ्ते में रुपए कैसे देंगे? दे देंगे। जिसने नुकसान किया वही मुआवजा भरेगा, यही इंसाफ है। सिद्धू आरती ले लो। बाबूजी से बात की? नहीं, एक बार बात तो करो। उनसे शराब की लत छुड़वाना इम्पॉसिबल है। व्रत है ना सिद्धू, जस्ट वन वीक प्लीज सिद्धू। क्यों भाई, बहू कुछ मांग रही तो सर हिलाकर मना क्यों कर रहा है? हाँ? पर ये क्या मांग रहा है आप नहीं जानते। चाहे कुछ भी हो जाए, औरतों की इच्छा को पूरी करना हम मर्दों का धर्म है, कर्तव्य है और जिम्मेदारी है। तुम बोलो बेटी। दरअसल आपसे कुछ मांगना चाहती है। ये तो और भी अच्छी बात है, पूछो बेटी क्या बात है। पिताजी आप वादा कर रहे हैं, अच्छी तरह से सोच लीजिए। इस गोविंदराज ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद नहीं सोचता। पिताजी तू चुप रह, तू बोल बेटी। बाबूजी मैं व्रत रखने वाली हूँ। बड़ी खुशी की बात है, रख लो ना। हफ्ते भर के लिए घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। कोई बात नहीं बेटी, नहीं बनेगा। और फिर कहो ना बेटी, वो क्यों झिझक रही हो? आप एक हफ्ते तक शराब छोड़ देंगे। ये क्या, आप इस तरह टूट गए? घर के मर्दों की भलाई के लिए तो मैं ये व्रत रख रही हूँ। बेटी हम तो वैसे ही पहले से भले चंगे हैं। और भी चंगे हो जाएंगे ना बाबूजी। और का क्या अंत है बेटी? श्वेता इनकी शक्ल से पता नहीं लग रहा है ये शराब नहीं छोड़ेंगे। तुम व्रत छोड़ दो, तू मुंह बंद करना। बेटी तू अपने व्रत का इंतजाम कर। अब मेरा ही जंक्शन जाम हो गया। हेलो, अरे सुनो, तुम पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ काम कर रही हो। हम यहाँ पार्टी को तोड़ने आए हैं, मजबूत करने नहीं। वही तो कर रही हूँ। क्या क्या कर रही हो? तुम तो उसके बैड हैबिट्स को छुड़ा रही हो। वो दारू पी तो हमें क्या, पान बना खाए तो हमें क्या, जो काम है वो देखो। तुम्हारे भेजे में अकल नहीं है, तभी तो तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ। कम टू द पॉइंट। व्रत के बहाने मैंने शराब के लिए मना किया है, शर्त लगा के उन्हें शराब में तुम डुबाओगे। दो टांगों पर जाने वाला गोविंदराज चार टांगों से लौटना चाहिए। अरे वाह, वो तो रेंगते हुए आएगा। तुम्हारे ससुर को दारू की बोतल में उतारना मेरे भाई हाथ का खेल है। अरे बाद में मिलता हूँ, बाय। गुरु मैंने लूंगा, तुम्हारे लिए नहीं उसके लिए। कार्यकर्ताओं को भूलने वाली पार्टी कभी उभरती नहीं। आ गया ये। इसलिए आपकी दारू की इस पार्टी में मुझे भी सीट दीजिए। बिन बुलाए मेहमान को सीट देने की क्या जरूरत है, देखो ये कैसे घुस गया। यो भाई कसके बैठ के तुम भी पियोगे क्या? जनता के सुख दुख को ही बांटता हूँ तो मेरे लिए दारू क्या चीज है। और फिर गोविंदा जी की तरह किसी के डराने से मैं दारू छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। अपनी जुबान को संभाल, जंक्शन जाम हो जाएगा। औरतों को जुबान दिया इसलिए थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। क्यों? लेडीज की बातों को सीरियसली लेकर जो ऊपर आए हो ऐसे किसी एक आदमी को दिखाओ। गुरुजी हो सकता है ये तुम्हारे बेटे का तुमसे दारू छुड़ाने के लिए बनाया गया प्लान हो, जरा सोचिए तो। लेकिन औरतों के साथ वादा किया है ना, इसलिए छोड़ देते। अच्छा छोड़ दीजिए, कैपेसिटी नहीं तो पीने के बाद उल्टी ही करेंगे। गुरु की कैपेसिटी के बारे में बात करता है, गुरु ने अगर दारू पीना शुरू कर दिया तो दारू इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों गुरु? अरे हटो, माना कि मैं आगरा में रह चुका हूँ लेकिन इतना भी पागल नहीं हूँ। अरे उठ क्यों गए, घर वापस जा रहे क्या? अरे पी नहीं सकते तो सीधे सीधे कह सकते हैं, कुर्सी को लात क्यों मार रहे हैं? गुरु इज्जत का सवाल है, हमारी खातिर तुम्हें पीना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गुरु, कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ औरतें, यहाँ मस्ती, हाँ गुरु वो व्रत, यहाँ मस्ती। पियो गुरु, पियो, पियो, गुरु, गुरु, रुक जाओ, फुल बॉटल। गुरुजी शराब के बाद पानी क्यों पिया आपने? कभी भी कहीं भी मदिरा में जल मिलाओ या जल में मदिरा, दोनों के मिलाप के बाद ही स्वर्ग लोक के द्वार खुलते हैं भक्तजनों। ये बात इस निकृष्ट प्राणी के भेजे में डालो। बिल्कुल सही। करेक्ट, क्या बोलता है काले सन्यासी? अब गुरु मेरी कैपेसिटी के बारे में अब बात कर। क्या करूँगा, बस कैपेसिटी का मुद्दा वापस लेता हूँ। वापस नहीं ले सकते गुरु, मुझे घर ले जाएगा प्लीज।
क्यों अब तुम इस गाड़ी को चलाओगे? देखता हूँ, धीरे चलाऊंगा भाई। धीरे से यानी कल सुबह तक घर पहुँचोगे? कहो तो मैं चलाऊं? अरे तू जवान है, स्पीड में जाएगा, तू पीछे बैठ। चल चल चल। स्लो ड्राइविंग में मेरा मूड खराब हो जाता है यार। पकड़ के बैठ। आप जिस स्पीड में चलाएंगे उसे पकड़ना भी है क्या? क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं? अरे वो पांव से मारता है ना। किकली बार राइट साइड में देख के मारिएगा। मैंने कहा ना संभल के मारिएगा, नहीं तो पैर टूट जाएगा। आप चलिए। आप तो धीरे चलाने वाले थे लेकिन बहुत स्पीड में जा रहे हैं। अभी तक तूने देखा क्या है? अब देख। मुझे गुस्सा आता है, अब तू देखना। गोविंदा भाई, अरे मुझे याद आया, एलआईसी का प्रीमियम भी नहीं भरा। अरे रोक दो, एक बार जाके भर के आ जाता हूँ। अजीत समल के स्पीड ब्रेकर आ रहा है। अरे अरे बुढ़ापे में छटिया गया क्या? पीछे मुड़ कर तो देखिए, हवा में उड़ रहा हूँ। अरे मेरे पाप पुलिस हमको भी नहीं बना है, मुझे छोड़ दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने बताया, निकल गया। आप क्या ढूंढ रहे हैं? सिद्धू आ गया क्या? हाँ। नहीं आया। आप फिर भी क्या आए? अरे वाह, कमाल का दिमाग है, जेम्स बॉन्ड की भांजी। नाटक कर रहे हैं। जानते हैं ना, श्वेता ने व्रत रखा है, जान गई तो कितनी दुखी होगी। वो दुखी ना हो, ये देखने की जिम्मेदारी बीवी होने के नाते तुम्हारी है, तुम देख लेना। मैं संभालूंगी, आप चलिए। ए शांति, मैंने खाना नहीं खाया बेचारा। रुकिए, मैं भी कुछ लाती हूँ। बाबूजी, आप कब आए? ये क्या बाबूजी की बोलती बंद है? जैसे तुमने अपने पति के लिए मंगल गौरी का व्रत रखा है ना, वैसे इन्होंने मेरे लिए मोहन व्रत रखा है ना जी? मुझे लगा यहाँ कोई बात कर रहा था। वो हाँ, रेडियो रेडियो में कृषि उद्योग का प्रोग्राम आ रहा था ना, वही सुन रहे थे। ओ, है ना जी? अच्छा अच्छा, चलिए बाबूजी, मैं खाना परोसती हूँ। आप नॉन वेज नहीं खाएंगे इसलिए मैंने तरह तरह के वेजिटेरियन डिशेस बनाए हैं। क्या हुआ? जब ये उपवास रखते हैं ना तो पानी की एक बूंद तक नहीं पीते, है ना? ओफो बेचारे। चलिए आप समझिए, चलिए। अरे ये क्या बाबूजी झूल रहे? कमजोरी है श्वेता, कमजोरी, उपवास रखा है ना, सर चकरा रहा होगा। जाइए, जाके सो जाइए। तुम भी ले जाओ श्वेता जी, शायद से तो देर से आएगा। ये क्या? गुड नाइट बोल रहे हैं, गुड नाइट, है ना? मैं भी जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट श्वेता। हाय श्वेता, इतनी देर क्यों कर दी? हमारे चैनल में काम करने वाले सिद्धार्थ को बेस्ट न्यूज रिपोर्टर का अवार्ड मिला। चैनल वाले को अवार्ड मिले तो तुम्हें क्या? आई सेड सिद्धार्थ, सिद्धार्थ को अवार्ड।
इतनी अच्छी खबर पहले मुझे क्यों बता रहे हो? बाबूजी को बताना चाहिए। पिताजी आ गए? वो अंदर है। चलो पिताजी। वहीं पर क्यों रुका है सिद्धू? अंदर आओ ना। इनको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन? हाँ। इसलिए? शराब की लत छुड़ाने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। सचमुच? वैसे मुझे बेस्ट न्यूज़पेपर रिपोर्टर का अवार्ड मिला, सोचा वो बता दूं। अच्छा? कांग्रेट सिद्धू। थैंक यू। अभी जो मैंने कहा वो पिताजी ने सुना होगा ना? हाँ, क्यों जी, आपने सुना? हाँ, सुना सुना, सुना। आशीर्वाद दीजिए। इन्हें मेडिटेशन करने दीजिए। अच्छा। चलता हूँ। लाते हूँ, रुकिए। पिताजी मेडिटेशन कर रहे हैं। खून आ रहा है, देखो। अरे खून का निकला, चिल्ला क्यों रही हो? सिद्धू, सिद्धू क्या हुआ तुझे? कहाँ से खून बह रहा है बेटा? कुछ नहीं, बता ना मुझे कहाँ से खून बह रहा है। देखा, देखा पिताजी, कुछ नहीं हुआ मुझे, छोटा सा बॉक्स गिर गया था। चोट लगी, बहुत डर थी ना। उठिए उठिए। चलो अच्छा हुआ बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता है ना तो मैं सह नहीं पाता, दुखी हो जाता हूँ, रोना आता है, दुखी हो जाता हूँ बेटा। क्या फिर से बोलिए? दुखी हो जाता हूँ बेटा। दारू भी रखिए। जवाब दीजिए, दारू पी है? जरा फूकिए, वहां नहीं मेरे मुंह पर, खींचिए मत, फूकिए, तुम्हें चक्कर आएगा बेटा। कोई बात नहीं, फूकिए, दारू पी है। बात ये है, वादा करके ये क्या किया आपने, शर्म नहीं आती? इसमें शर्म का है कि मैंने किसके लिए शराब पिया ये पूछो ना। किसके लिए? तेरे लिए। मेरे लिए? और किसके लिए? तुझे अवार्ड मिला, इस खुशी में पूरी बॉटल मार दी, गलत है क्या? ये आपको किसने बताया? अरे अभी अभी तूने ही बताया ना, शादी करने के बाद भुलक्कड़ हो गया है, सब कुछ भूल जाता है। देखो ना, देखिए, आप नहीं सुधरेंगे, तू भी नहीं सुधरेगा। देवी माँ, गौरी माता, अनर्थ हो गया, अनर्थ, क्षमा कर दो देवी माँ, क्षमा कर दो। माता, गौरी माता, मुझ पर तरस खा और मेरी बहू को क्षमा कर दो। अरे बहू को गौरी माँ ने क्षमा कर दिया, बहू को गौरी माँ ने क्षमा कर दिया। गोविंद राज साहब, बोलिए सर, मुझे अवार्ड मिलने की आपको कितनी खुशी है? इतना कि मैं कह नहीं सकता। तो फिर ये लीजिए, कह सकेंगे। मेरे लिए? हाँ, आपके लिए। थैंक्स बेटा। श्वेता, पिताजी के लिए सोडा और ग्लास का इंतजाम करो। बेटा, आइस भी लाने के लिए कह देना। आइस भी दे देना। लाती हूँ जी। बहुत बहुत थैंक्स बहू। बहू, बाहर कोई भिखारी आया है, उसे अपने हाथों से कुछ दे दे, खोया हुआ पुण्य वापस मिल जाएगा। चल हम लोग चलते, चल। रवि भैया, तुम हो? तुम बागदाद कब गए? ये क्या मजाक है, तुम ऑपरेशन पार्टी को अंडरएस्टिमेट कर रही हो। अरे बाप रे, बहुत स्टफ है उस बुड्ढे में, मर गया। दरअसल हुआ क्या? देखने से पता नहीं चल रहा है, पोलिंग के बिना ही बूथ फट गया है, कांटों के झाड़ू में जाके फेंक दिया, पूरे बदन में कांटे चुभ गए हैं, सुई है तो दे दो, एक एक करके निकालता हूँ। ठीक है ठीक है। बेबे, वो कटोरा दे दो, मैं खा लेता हूँ। ये मैं भिखारी के लिए लाई थी। अब मुझ में और उसमें फर्क क्या है, दे दो। देखो बहुत दर्द हो रहा है, मैं सो जाता हूँ, चादर यही दे देना। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे, अब भिखारी से कुत्ता बनना पड़ेगा। बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है, सेप्टिक तो नहीं हुआ? पता नहीं यार, नवा दिन मिलेगा या नहीं। अरे मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं जानता, बेबी ने जो कहा वही मैंने किया। ए, आज मेरे हाथों में मरेगा, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे मत मारिए। अरे तुम नहीं, चूहा यार। ओ, कहां पच के जाएगा तू? तू चूहा है, आज तू फंस गया बेटा। कहां छुप रहा है?
ए! अरे रुकना, धक्का क्यों देती हो? तुम आदमी हो कि जानवर? आदमी हूँ, कांटे चुभने की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा है। कहीं तुम सच न होगा तो इसी बात का मुझे डर था। मैं तो और भी डर गया था कि कहीं वो मेरा सर न फोड़ दे। मुंह बंद कर बेवकूफ। पहले जानवर कहा, अब बेवकूफ कहती हो। तुम में क्लैरिटी नहीं है बेबी, इसलिए तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो रहा है। मैंने फुल क्लैरिटी के साथ इस घर में कदम रखा था। एक प्लान फेल हो जाने से मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ भी हो, ये गुणराज जो है ना, जैसे हम बेवकूफ समझ रहे थे वो जैसा हम समझते हैं वैसा कोई चूहा या मेंढक नहीं है बेबी। बहुत ही दम है उसमें। रात को प्रैक्टिकली मैंने देखा था ना, मुझे तो ये काम मुश्किल लग रहा है। उस महफिल में मेरा और मेरे डैडी का जो अपमान हुआ उसके मुकाबले ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। उन दोनों बाप बेटों को अलग करके मैं अपने डैडी से किया हुआ वादा कैसे निभाती हूँ देख लेना। सुनो श्वेता। आ गई मेरी जान खाने। श्वेता आ रही हूँ। माँ जी। माँ जी बाबूजी कहकर इतना बड़ा ड्रामा करती है। अरे बाप रे। सच्चाई को सामने लाकर तूने मेरी आंखें खोल दी। आज तक सुना है कि कुत्ते ही वफादार होते हैं, तूने साबित कर दिया कि चूहे भी वफादार हैं। देख आज से हम दोनों दुश्मन नहीं हैं, दोस्त हैं, ठीक है? थैंक्स। मुश्किल है, लगता है ये प्लान वर्कआउट नहीं होगा। ऊपर से फिजिकली और मेंटली स्ट्रेन। ये दोनों बाप बेटी मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। एक तरफ चुनावी नजदीक आ गया है। आना। क्या है? अरे आना। अभी किस लिए? अच्छा बताती हूँ। अरे बाप रे, घर वाले कोई देख लेंगे। ठीक है अभी आ रहा हूँ। घर में घास फूस खा के भूख फीका पड़ गया है। तू कहाँ है बेबी? ठीक है सुनो बेबी जी, अविश्वास प्रस्ताव से ही नहीं विवादों में फंसा कर भी सरकार गिराई जा सकती है। साफ साफ नहीं बताया तो पहले तुम गिर जाओगे। कौन है वो लड़की? उसकी नेहा धुपिया बस्ती वालों की मल्लिका शरावत। ये उसके घर क्यों जा रहे हैं? होगा कोई पुराना लेन देन, वरना ऐसे बेवक्त दूसरा क्या काम हो सकता है, है? हाँ तुम आओ बताते हैं। क्या प्लान है? ये कैमरा ले जाके उनका रोमांस पूरा इसमें रिकॉर्ड करके ला। उस कैसेट को सिद्धू के चैनल वाले कैसेटों में मिला देंगे। उसके बाद बाबूजी फिनिश। वो मुझ पर छोड़ दो बेबी, आज तुम्हारे ससुर को मैं दुनिया के सामने नंगा कर दूंगा। ए जानकी जल्दी आना। अरे आती हूँ ना बाबा। पेट में चूहे कूद रहे जानकी। चीची शैतान कहीं का, चल ए, उसे कुछ मत कहना, वो मेरा दोस्त है, नाम है गणेश। ठीक है। ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा कि मुझे ऑस्कर अवार्ड मिल जाए। दरवाजा बंद है। खिड़की भी बंद है, शुरू हो गए होंगे। जानकी शेप बहुत अच्छा है। तुझे पसंद है ना? शेप अच्छा है कह रहे हैं। एक कॉपी निकाल कर बेबी को देकर बाकी को सीडी बनाकर मार्केट में उतार दिया। लाइफ सेटल हो जाएगी। अब मुझसे रुका नहीं जाएगा। कौन कहता है रुकने के लिए, शुरू कर। हो गया शुरू। कितने उतावले हो रहे हो? जानती हो कितने दिनों से इंतजार कर रहा था, गैप आ गया। गैप आ गया, अब तो गैप ही गैप है। आहिस्ता चुप जाएगा। चुप जाए तो भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। गोविंदा ये तेरे लिए है। अच्छा सचमुच? ये भी तेरे लिए है। ला फिर दे दे। रुकना मत, मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत। मुर्गी का शोरबा है। खाने को मन करता है।
बोलने लगा है मुर्गा, बोलने लगा है मुर्गा, जरा सा तू और भी नजारा तो दिखा। हा, हा, हा। आई 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 मुर्गे का शोरबा है, जोरदार है, मजेदार है, मजेदार है, मसालेदार है, खाके तो देख छोरी। मुर्गा तो जोरदार है, जोरदार है, मसालेदार है, जब चाहो खा लेगी पियेगी ये गोरी। जमाना छोड़ देंगे हम। ये कैसा गाना बदल गया? अरे बाप रे, मैं तो अपना काम भूल गया। हाँ, कैसे लोगे? दरवाजा खुला रखे। अगर तुम मिल जाओ। गोविंदा कहाँ है? क्या अकेली है? बाथरूम गया होगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा भांडा फोड़ने के लिए। नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं नहीं, क्या बोल रही है? ये तो उसको बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। वो कहाँ है, दिखाओ। मैं नहीं दिखाऊंगी। दोनों का लेने आया तो उसको बाथरूम में छुपा दिया, अलग अलग निकाल के ग्राफिक्स में एक कर दूंगा। मुझे मार के तू क्यों चिल्लाती है? नाटक कर रही है? अरे चुप कर, बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ, 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 बचाओ। देखिए ना, ये बदमाश घर में घुस के इस कैमरे के साथ कुछ कुछ कर रहा था। कैमरे के साथ कुछ कर रहा था? ऐसा नहीं है। अरे ये क्या पोज दे रहा है तू? सुनिए भाई, अरे हट। ठीक है, मैं कोई पोज देने के लिए नहीं आया हूँ, किसी पर्पस से मैं यहाँ आया हूँ। व्हाट पर्पस? ब्लू फिल्म बना के ब्लैकमेल करने का? ब्लैकमेल नहीं, पिछले हफ्ते बाथरूम में घुसकर ललिता की तस्वीर खींचने वाला यही है। ये क्या सब मिलकर मारते हो? एक एक करके मारो, मैं सह लेता हूँ। अरे बाबू, क्या देख रही हो? बाबूजी, बेचारे मेरे रवि भैया को लोग पीट रहे हैं। ओहो, बेचारा।
बेचारा। लेकिन इसे पीटना नहीं कहते बहू, जो पाप किया है उसकी धुलाई है। यही धुलाई है? जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात तुमने सुनी नहीं बहू? वो चाहे वो हो या मैं हूँ या फिर चाहे तुम हो। अब बस एक मिसाल दे रहा था बेटी, धुलाई होने दो बेटी, थोड़ी सफाई हो जाएगी। जाओ तुम अंदर जाके खाना खा के सो जाओ, थक गई होगी ना, जाओ जाओ जाओ। ओए छोड़ना मत, उसकी हड्डी पसली एक कर दो। अरे छोड़ो छोड़ो, आओ इसके अकल ठिकाने आ गया है, छोड़ो। अब मजा आया, लगता है मर गया, मुर्दे को क्या मारेंगे, चलो। बेवकूफ लोग, मैं इतनी आसानी से थोड़ी मरूंगा। उसे और पीटो। हाथ में आए हुए बड़े कॉन्ट्रैक्ट का न मिलना तेरी जेल की सजा, तुझे बाहर निकालने के लिए लाखों का खर्चा, जिंदगी में कभी इतनी मुश्किलों का सामना नहीं किया छोटे। उस गोविंद राज को हम छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ गोविंदा को ही नहीं, उसका बेटा सिद्धार्थ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमसे छीनने वाला वो वीरेंद्र, इन तीनों का खात्मा करने के एक तरकीब है। हेलो, मैं हूँ बेटी। बोलिए पिताजी। शिवानी के लिए बढ़िया सा रिश्ता आया है बेटी। ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे शादी कब होगी? लेकिन वो क्या है पिताजी, उन्हें रुपयों की जरूरत है इसलिए अभी मांग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रिश्ता है इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। तुम जानती हो ना, मेरा पीएफ आने में और थोड़े दिन लगेंगे। इस बीच तुम दामाद जी से बोलकर कुछ इंतजाम कर सको तो। मैं उनसे पूछ के बताऊंगी पिताजी, आप भी अलग से कोशिश कीजिए। पूछने का बुरा मत मानना बेटी, मैं रखता हूँ। ठीक है पिताजी। क्या बात है, उदास लग रही है? मेरी बहन की शादी तय हो गई। ये बात है, शादी कब है? वो लेन देन की बात पूरी होने से पहले कहना मुश्किल है। श्वेता, श्वेता। क्या बात है सिद्धू? हाँ, ये कैश रख लो, चैनल ने हार्ट फाउंडेशन के लिए इकट्ठा किया, जब जरूरत पड़ेगी तो ले लो। ठीक है। चलता हूं। अरे सिद्धू, घर में माजी के होते हुए ये मुझे क्यों दे रहे हो, उनके पास दे दो ना। गुड, ये तुमने ठीक कहा। क्या है सिद्धू? ये अपने पास रख लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते साहब जी। नमस्ते, कौन है आप? गोविंद राज जी के घर का नौकर हूँ। आपकी बेटी ने आपको ये रुपए भिजवाए हैं? बेटी ने भेजा है, बड़ी खुशी की बात है। आओ चाय वाय पी के जाना। जी नहीं, बीबी जी से कुछ कहना है। बोल देना कि निमंत्रण पत्र लेके आऊंगा। जी अच्छा, चलता हूँ। अच्छा। तुम क्या कर रही हो मेरी समझ में नहीं आया। मुझसे चोरी करवा के वो रुपए वहाँ दिलवा दी, अगर वही रुपए मेरे मुंह पर फेंकती तो मैं गाँव चला जाता। तुम कहीं नहीं जाओगे, गोविंद राज को शहर छोड़ने के लिए मजबूर करूंगी। कोई नई बात बोलो ना, अभी तक ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूँ। अब सुनोगे नहीं देखोगे, वो गोविंद राज मुझे चांटा मरेगा देख लेना। और सिद्धू, क्या कोई भी पति अपनी बीवी पर कोई दूसरा हाथ उठाए तो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो सच है, लेकिन वो गोविंद राज तुम्हें क्यों मारेगा और कैसे मारेगा? मारेगा, जरूर मारेगा। श्वेता। अभी आई। डे बाय डे लाइफ डार्क होती जा रही है। श्वेता। आ रही हूँ सिद्धू। क्या बात है? क्या बात है, मैंने फोन में बताया था ना कि मैं हार्ट फाउंडेशन के पैसे लेने आ रहा हूँ। सॉरी, माँ जी से अभी जाओ, जल्दी ले आओ। माँ जी, उन्होंने आपसे रुपए ले आने के लिए कहा है। ठीक है श्वेता। माँ जी, सिद्धू बाहर वेट कर रहे हैं। सुनो श्वेता, रुपए कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। रुपए दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, वो अलमारी में रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। ठीक से देखा ना? हाँ, सब जगह ढूंढ लिया। सुनो श्वेता, तुम बुरा ना मानो तो। मैं बुरा ना मानो तो? वो बोलिए, वो माने तुमने तो नहीं देखे ना? यानी
रुपए मैंने चुराए हैं? ये बात नहीं, पूछा कहीं देखी तो नहीं, इल्जाम तो नहीं लगा रही हूँ। आपका मतलब मैं अच्छी तरह समझ गई। सिद्धू, सिद्धू, श्वेता, श्वेता मेरी बात तो सुनो। श्वेता चिल्ला क्यों रही हो? क्यों नहीं चिल्लाऊंगी, उन्होंने जो बात कही उसके लिए खुदकुशी करनी चाहिए। आखिर हुआ क्या? तुमने जो रुपए दिए थे वो दिखाई नहीं दे रहे और कह रही है कि मैंने निकाले हैं। चोरी करने की मुझे क्या जरूरत है? करोड़ों की जायदाद को छोड़कर मरकर तुम्हारे रुको ना, कुछ ज्यादा ही कर रही हो। आपने सब जगह ठीक से ढूंढ लिया ना? सब जगह ढूंढ लिया सिद्धू। कहीं आपने किसी को दिया तो नहीं? याद कीजिए। नहीं, किसी को भी नहीं दिए। तो फिर ये बेटी शांति। अच्छा, सब लोग यहीं पर है। कैसी हो श्वेता बेटी, तुम कैसे हो बेटी? अच्छा बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी। बेटी होकर एक बेटे की जिम्मेदारी निभाई है तुमने। तुमने वक्त पर रुपए भेजे बेटी, वरना शिवानी की शादी इस जन्म में नहीं होती। किसने भेजे? अरे तुमने ही तो भेजे थे। मैं अभी लड़के वालों को देकर आ रहा हूँ। अभी आया भाई। बेटी शादी की तैयारियां करनी है, दामाजी से कह देना। चलता हूँ बेटा, चलता हूँ बेटी। तुमने देख लिया ना? बस करो। तो बात यह है कि इस बात को भूल जाइए, रुपए मैं कहीं से एडजस्ट करके दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। ओके, रुपयों की इतनी जरूरत थी तो मुझसे पूछ लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी? अपने ही घर में मैं चोरी करूं? मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ। आपने नहीं दिए तो और किसने दिए उन्हें रुपए? रुपए खुद चलकर उनके पास चले गए। मेरा टाइम अच्छा था, वो खुद यहाँ पर आ गए और सच्चाई का पता चल गया। उम्र होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी अच्छा होना चाहिए। देखो श्वेता, अगर मैं खामोश हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कसूरवार हूँ। क्या बात है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तुम में शर्मो हया कुछ भी नहीं। जाओ अंदर। तुम भी अंदर जाओ बहु, जाओ। मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया है, बुरा मत मानना। मैंने कोई गलती नहीं की है। जानता हूं तुम मेरी पत्नी हो, गलत कर ही नहीं सकती। चुप हो जाओ शांति, चुप हो जाओ। बस जी, यही काफी है। मैंने कोई गलती नहीं की, इसका आपको विश्वास है तो यही काफी है। लेकिन ये सब किसने किया और क्यों किया, ये मैं नहीं जानती। मैं जानता हूँ। जानते हैं? कौन है वो? श्वेता। ये बात जानकर तुम दुखी न हो जाओ, इसलिए आज तक नहीं बताया। सारी खुशियां सबको बांटकर जमाने भर का दुख अपने सीने में समेटने वाले महान हैं मेरे पति, इस बात का मुझे गर्व है। साथ साथ मन में दुख भी है। उस लड़की को सिद्धू चाहिए और हमें उन दोनों की खुशी, इसलिए पास रहकर दूर होने से अच्छा है दूर रहकर पास होना। गाड़ी नंबर 7041 दिल्ली जाने वाली जयंती। सिग्नल दे दिया है, तुम लोग गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है, बाय बाय।
ये दोनों यहाँ हेलो हाय बेबी हाउ आर यू हाय डैड ग्रेट न्यूज क्यों बेबी बहुत खुश लग रही हो क्या बात है गोविंदराज हार मानकर बीवी के साथ घर छोड़कर भाग गया दैट्स इट दैट्स माय डॉटर अच्छा अब क्या करने वाली हो अब मैं सिद्धू को लेके हमेशा के लिए घर आ रही हूँ ओके बाय डैड मेरे डैड का फोन कह रहे थे मुझे मिस कर रहे हैं पति को पराई औरतों के चंगुल से बचाना पत्नी का धर्म हो सकता है लेकिन उसे माँ बाप से पराया बनाना पाप है जाओ यहां से सिद्धू एक बार एंगेजमेंट कैंसिल करके तुमने गलती की अब मुझ पर हाथ उठाकर दूसरी गलती कर रहे हो जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो उन्हें ठुकरा कर एक ना एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे वो दिन कभी नहीं आएगा आएगा जरूर आएगा चप्पल से मारूंगा उससे पहले हम दोनों चले जाएंगे चलो बेबी अरे सुनो गाड़ी भेजो हमें बाहर निकाल दिया बेबी परिचय कराता हूँ ये है सत्या बिहारी मेरी नई पार्टी के अध्यक्ष हैं ये सब क्या है पॉलिटिक्स है बेबी मैंने वादा किया था कि तुम्हें यहाँ ले आऊंगा पहली बार वादा निभाया मैं बहुत खुश हूँ यू चीट चीटिंग के बारे में बात करने का हक तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को नहीं है तुम्हारा बाप चीटिंग करके घर बनाता है और तुम चीटिंग करके घर तोड़ती हो ना सुनो बिहारी भाई मैंने अपना वादा निभाया मुझे जो देना है वो दे दो मैं निकलता हूँ काम पूरा होने दो हेलो सत्या बिहारी बोल रहा हूँ क्या बात है मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास भी नहीं है डेडलाइन में आ गया हूँ मेरा नाम ब्लैकलिस्टेड है बैंक से जो लोन लिया है वो मैं कैसे चुकाऊंगा तो मैं क्या करूँ हमारा बैंक लोन भरने के लिए और कारोबार के लिए अपनी जायदाद में से 50% यानी 25 करोड़ का इंतजाम करके दो क्या बात कर रहे हो आर यू मैड मेरी पूरी बात सुनोगे तो मैं नहीं तुम पागल हो जाओगे अगर कोई चालाकी की या पुलिस के पास जाने की जरूरत की तो अपनी बेटी को मरा हुआ पाओगे What? क्या बात है जी? अरे रुकना मैंने जो कहना था कह दिया मेरी बात मानोगे तो बेटी बच जाएगी मेरी बेटी को कुछ मत करना मुझे कहाँ आना है बोलो वो 25 करोड़ अपने समथी गोविंदा का हाथ भेजो सर पुलिस कमिश्नर को फोन कीजिए नहीं तो अपने मिनिस्टर राम नरेश कोई कुछ नहीं कर सकता मेरी बेटी को सिर्फ गोविंदा बचा सकता है और उसे मैंने ही भगा दिया अब वो कहाँ होगा किस हाल में होगा नहीं जानता मैं जाती हूँ जी साहब उन 25 करोड़ में से सर अभी आपने किसके हाथ रुपए भेजने के लिए कहा गोविंदा के हाथ किस लिए उस गोविंदा की वजह से उसे मेरे भाई को जेल जाना पड़ा उसके बेटे ने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं ब्लैकलिस्ट हो गया इसलिए इस किडनैपिंग के जरिए मैं उस गोविंदा को और उसके बेटे को यहाँ बुलाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा सत्यानाश कर दिया बेवकूफ कहीं के मुदकाये निवाले को ठोकर मार दिया ठीक माल आपस में बांटकर बाहर निकलने के बजाय ये बदले का पागलपन कैसा कल से 10-20 के लिए भी भीख मांगनी पड़ेगी तेरी शक्ल देखकर कोई भीख भी नहीं देगा टुकड़े टुकड़े कर डालेगा जानता है कौन है वो गोविंदा ऐसे वैसे नहीं मैं तूने अपनी मौत तुझे अभी टपका तू कैसा नहीं छोटे रुक जा इसकी आंखों के सामने उस गोविंदा को मारेंगे फिर इसकी खबर लेंगे गोविंदा
क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? गोविंद, मैं तेरे हाथ जोड़ता मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मेरी बेटी को बचा ले। अरे क्या बात कर रहे हैं, वो तेरी बेटी ही नहीं मेरी बहू भी है, हमारे घर की महालक्ष्मी। सब मुझ पर छोड़ दे, उसने कहाँ बुलाया है? मैंने बोला ना, अब देखते जाओ। कहाँ है रे मेरी बहू रानी? तू आया है सत्या, सत्या बिहारी के अड्डे पर। ए, किसी का भी अड्डा हो मुझे क्या, उल्टे काम करने वालों की कमर तोड़ना ये गोविंदा का स्टाइल है, जल्दी भेजो। तू जो रुपए लाया है उन रुपयों के साथ तेरी जान भी लेने के इरादे से ही तुझे यहाँ बुलाया है। मेरी बहू को किडनैप करके तूने एक गलती की, मुझे यहाँ बुलवा के तूने दूसरी गलती की। ये गोविंदा सिर्फ एक ही गलती को माफ करता है, दूसरी गलती को माफी नहीं मिलती। जंक्शन जाम हो जाएगा। तो जिंदा बचेगा तभी ना। अबे सत्या, एक घंटा खत्म होने के लिए 60 मिनट चाहिए, एक मिनट खत्म होने के लिए 60 सेकंड चाहिए, तुझे खत्म करने के लिए सिर्फ एक सेकंड ही काफी है, वैसे वो भी ज्यादा है, जल्दी भेज। बाबूजी, 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 बाबूजी।
कुछ नहीं। क्षमा कर दीजिए बाबूजी। बहू, क्षमा कर दीजिए। बहू, ये क्या कर रही हो? उठो, तुम तो मेरी बेटी हो, तुम्हें क्या माफ करना? रो मत। इस तरह क्या देख रहा है? आजा, जाओ बेटी, जाओ। I'm sorry Sidhu, I'm really sorry. It's okay. गोविंद राज जी कहाँ हैं? वो अंदर तैयार हो रहे हैं। अरे गोविंद राज साहब, जल्दी आइए। मैं कैसा लग रहा हूँ डैड? ये कैसा गेटअप है? जैसा दादा वैसा पोता, हमारा स्टाइल ही कुछ ऐसा है। क्यों गोविंदा? हाँ गोविंदा। शाबाश, आज तुम्हारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में इस गोविंदा के गेटअप को ही फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। नहीं मिला तो जंक्शन जाम हो जाएगा। बस हो गया, चल स्कूल जाना है। तू जा, मैं ड्रॉप कर दूंगा। हाँ। चल गोविंदा, चलते हैं। अबे ओ बदमाश, मेरी बीवी को किस देता है? एक दूंगा। टेक इट इजी गोविंदा, बुरा मत मानना, कम ऑन। चल कोई बात नहीं। गोविंदा। बोल गोविंदा। डैडी को ओवरटेक करो। जंक्शन जाम कर देंगे।